अभी हम बात करेंगे कि टेम्परेचर मैनेजमेंट, गर्मी के दिन आखिर अपने मशरूम फार्म का जो है टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाए, ये बहुत बड़ा विषय है। तो मैं आपको वन बाय वन सारे मेथड सिखाऊंगा, तो मल्टीपल पार्ट्स में भी हो सकता है आपको वीडियो मिले। सबसे पहले तो देखिए, जो फार्म का डिज़ाइन है और उसका जो ओरिएंटेशन है और उसमें आप क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो देखिए, फार्म का जो आपका जो रूफ है, जो आपका जो छत है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि ऑल टाइम सूर्य की किरणें इस पे गिरती है। तो आप इसको कभी भी फ्लैट मत बनाइए, इसको हमेशा इस तरह से एरोडायनेमिक आकार में बनाइए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो इसमें विंड फ्लो जो है प्रॉपर रहेगा, फ्लैट सरफेस में कंटिन्यूस सन गिरता है, इसमें क्या होगा अगर सूर्य इधर से निकल रहा है तो इसमें इस तरफ से गिरेगा पर इस तरफ छाया रहेगा, बाद में जब सन इस तरफ आ जाएगा तो इस तरफ सन की रेज गिरेंगी पर यहाँ पे छाया रहेगा। तो ये इस कारण से जो है ये स्ट्रक्चर जो है हमेशा नॉर्मल फ्लैट स्ट्रक्चर से ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होता है, अपने फार्म को ठंडा रखता है। सेकेंड क्या करना है ना कि आपका देखिए, जो ये आपने रूफ यूज़ किया है इसका मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ठंडा करने का अंदर में क्या क्या सेटअप है वो तो मैं सिखाऊंगा ही, कैसे कूलिंग डिवाइस ऐड करने हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी है अंदर, पर ये बताइए अंदर जो भी हम ठंडा करेंगे उस ठंड को पकड़ के कौन रखता है? ये या तो वॉल रखता है या फिर ये रूफ रखता है। तो हमें इसके डिज़ाइन को पहले सही रखना पड़ेगा, वरना क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। आप अंदर भले ही जितनी मर्जी कूलिंग सिस्टम लगाइए, अगर आपका टेम्परेचर ही निकलता रहेगा या फिर यहाँ से अगर गर्मी एब्जॉर्ब करेगा आपका घर तो फिर कैसे होगा? आपको हमेशा फार्म जो है ऐसे बनाना है कि वो एनर्जी एफिशिएंट रहे, तभी आप जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो आपको जो रूफ़ के क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल करने, इंसुलेशन उसको कैसे कैसे आप क्या क्या लगा सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट आपको थोड़ी देर में ही बता दूंगा। वन बाई वन बहुत सारे तरीके हैं, एक्चुअली कम से कम 40-50 तरीके हैं जिस तरीके से आप अपना छत जो है बिल्कुल ठंडा रख सकेंगे गर्मी के दिन। और सेकेंड जो हो गया आपको, पहले मेन तो ही आपको एरोडायनेमिक रखना है। एक है कलर जो है, आपको कलर क्या इस्तेमाल करना है, जो कलर है वो हमेशा लाइट कलर होना चाहिए। आइदर आप अपने जो दीवार है और जो छत है उसका कलर वाइट रखिए या फिर सिल्वर रखिए, पेंट कीजिए उसको, क्योंकि ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, गर्मी को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। जो सन की रेज होती है डार्क कलर इस्तेमाल करने से फार्म में वो एब्जॉर्ब करेगा, तो आपको लाइट कलर रखना है ताकि जो सन है सन के रेज आके उसमें रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाए, ताकि एब्जॉर्ब ना करें। पहली बात तो ये हो गई। इसको इंसुलेटेड मटेरियल इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि आप बैम्बू यूज़ कर सकते हैं, इसको आप जो भूसा है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्मोकोल्स यूज़ कर सकते हैं, इंसुलेशन मटेरियल्स आते हैं अवेलेबल जिसको आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप जैसा भी इसको बनाएं, पर इसको मेटेलिक ना बनाएं, जैसे कि कई बार हम देखते हैं मशरूम फार्म टिन का लगा दिया ऊपर, टिन क्या करेगा, कंटिन्यू हीट को एब्जॉर्ब करेगा और आपके घर को गर्म करेगा। तो टिन तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है, कोई भी मेटल टाइप का सामान इस्तेमाल नहीं करना है। रूफ़ का डिज़ाइन एरोडायनेमिक रखना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड क्या है कि वेंटिलेशन के जगह रखना है आपको, इंसुलेशन करना है। रूफ़ है अगर उसके नीचे आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे एक आप उसमें फॉल्स सीलिंग लगाइए, एक सीलिंग लगाइए, ताकि जो भी हीट यहाँ से एब्जॉर्ब होकर नीचे जाए वो फर्दर आपके जो यहाँ पे आपने जो भी आपने सीलिंग इस्तेमाल किया है उससे वो रुक जाए और यहाँ से वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकल जाए। और ये जो वेंटिलेशन के बीच में जो गैप रहेगा इसको भी आप इंसुलेटर मटेरियल जैसे कि फाइबर कॉटन्स और उसके बाद आप सिंपल अपने स्ट्रॉ भूसे और थर्मोकोल एट्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हीट जो है उसमें जो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जो भी आसानी से जैसे कि लकड़ी इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आयरन इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप इस तरह के बैड कंडक्टिंग एलिमेंट्स इसके बीच में डालिए ताकि आपका घर जो है नेचुरली ठंडा रहे, चाहे जितना भी सन आ जाए, बाहर 50 डिग्री आ जाए अंदर तो ऊपर से आ ही नहीं पाए, ये सिस्टम पहले आप लगाइए। सेकेंड क्या हो गया, पेंट का मैंने आपको बता दिया। अब कुछ कुछ टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली काफ़ी चीप है, इजीली आप तुरंत इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से फार्म है तो।